हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये देखिए हमारी मुगलाई कितनी क्रिस्पी और फूली हुई, बिल्कुल कोने कोने तक अंडा भरा है इसमें। और कलर देखिए कितनी अच्छी आई है, बहुत ही डिलीशियस। आप इसे चिकन, मटन, दम आलू या ऐसे ही सॉस के साथ खाएं। इसे आप बहुत ही आसानी से इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हो। तो ऐसे परफेक्ट फूली हुई मुगलाई पराठों का राज जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ ये रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा तैयार करेंगे। इसके लिए मैं इस बोल में 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर डाल दूंगी। अब मैं इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करूंगी। नमक को मैदे में अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डालूंगी मॉइन करने के लिए। ऑयल को अच्छे से मैदे में मिलाएंगे। थोड़ा टाइम लेकर ऑयल को मैदे में मिलाइए, जल्दबाजी ना करें तो डो अच्छा नहीं बनेगा। ऐसा करने से आपके पराठे क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक डो तैयार करूंगी। पानी एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें और एक स्मूथ और सॉफ्ट आटा लगाएंगे। तो देखिए आटा मैंने तैयार कर लिया है। इसे मैं 1 मिनट तक ऐसे ही गूंथ लूंगी। जितना आप आटे को अच्छे से गूंथेंगे आटा उतना ही परफेक्ट और सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। अब मैं इस आटे पर कुछ बूंदे ऑयल डालकर अच्छे से लगा लूंगी ताकि आटे का ऊपर का सरफेस सूख ना जाए। अब हम इसे ढककर 25 से 30 मिनट तक रेस्ट करा लेंगे। आटे को रेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी है, इससे आपके पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। तब तक चलिए पराठे की स्टफिंग तैयार करते हैं। इसके लिए मैं एक बोल में 4 अंडे तोड़कर डाल दूंगी। 4 अंडों से 4 मुगलाई पराठे बनकर तैयार होंगे। अब इस एग्स में स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। नमक को अंडों में अच्छे से मिला देंगे। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूंगी, साथ ही साथ 1/2 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई अदरक डालूंगी। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दूंगी। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च कम डालें। साथ ही साथ डालेंगे 1 बड़ा चम्मच चॉप्ड हरा धनिया और 1/2 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। सब कुछ अच्छे से मिला देते हैं। अंडों को 1 मिनट तक अच्छे से बीट कर लेंगे। इससे क्या होगा, मुगलाई के अंदर अंडे बहुत ही अच्छे से फूलकर बिल्कुल फ्लफी बनकर तैयार होंगे, इसलिए फैटना बहुत ही ज़रूरी है। तो अंडे का स्टफिंग तैयार हो चुकी है, इसे साइड कर देते हैं। अब देखिए 30 मिनट हो चुकी है और आटा देखिए कितनी स्मूथ हो गई है। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। पेड़े एक बड़े साइज के नींबू के साइज के जितना ही रखें, वो पीले बड़े वाले जो नींबू आते हैं बिल्कुल वैसा। ज़्यादा छोटे लोइयां लेंगे तो पराठे बहुत ही छोटे बनेंगे। इस डो को पहले हम टक कर लेते हैं। टक करने से आप जो रोटियां बेलेंगे वो रोटी बिल्कुल गोल बनेंगे, साइड्स बिल्कुल इवन बनेंगे। अब आटे पर मैं थोड़ा सा ड्राई फ्लावर स्प्रिंकल कर दूंगी और पेड़े को मैदे से अच्छे से कोट कर लेंगे। इससे आपकी रोटियां काउंटर पर नहीं चिपकेगा। अब हम इसे पतला करके बेल लेंगे। ट्राई कीजिए बिल्कुल गोल बेलें। Thank you.
साइड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, वरना साइड्स मोटे रह जाएंगे और बीच में पतला रह जाएगा। पूरी रोटी को इवनली बेल लेना है और साइड साइड को भी बिल्कुल पतला बेलना है। अब देखिए रोटी की थिकनेस बिल्कुल इसी तरीके से बेलना है। अब देखिए ये पार्ट थोड़ी सी ट्रिकी है। बड़े ध्यान से हम इसमें एक बड़े साइज़ के स्पून से एक का मिक्सचर डाल देंगे। ये लगभग 1/4 कप है। अब देखिए इस तरह से बड़ी सावधानी से मैं अंदर की ओर फोल्ड कर दूंगी और एक स्क्वायर शेप में इसे फोल्ड करना है और एग्स को अच्छे से कवर कर देना है। तो देखिए पराठा सिकने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब देखिए मैंने इस पैन में लगभग 1/4 कप तेल गरम कर लिया है। कोई तेज स्मेल वाला तेल ना लें, रिफाइंड ऑयल में ही बनाएं। अब पराठे को बड़े ध्यान से उठाकर तेल में डाल देंगे। इस वक्त आंच को हम मीडियम पर रखेंगे। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तेल ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से तो पराठे का कलर आ जाएगा, पर पराठों में हमने जो एग्स डाला है वो पकेगा नहीं और कच्चा रह जाएगा, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एक तरफ पकने पर मैं इसे फ्लिप कर दूंगी। इस वक्त इसे बहुत ही ध्यान से फ्लिप करना है। फ्लिप करते वक्त आप ऐसे 2 स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे आप इसे इजीली फ्लिप कर पाएंगे। अब देखिए कितनी अच्छी तरीके से पराठे फूल रहे हैं। पराठे फूल रहे हैं मतलब पराठों के अंदर के अंडे अच्छे से पक रहे हैं। एक बार फिर से फ्लिप करेंगे, दूसरे साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। अब देखिए दोनों साइड से पराठों में कितना अच्छा कलर आ गया है। इसे तेल में से निकाल लेंगे। बाकी के पराठे भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट मुगलाई पराठे तैयार हैं। इसे आप बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अब देखिए मैं एक तोड़कर दिखा रही हूँ, बिल्कुल कोने कोने तक अंडों से भरा हुआ और परफेक्टली कुक्ड। आपने देखा ही होगा इसे बनाना कितना आसान है। आप इसे जल्दी से बनाइए और मुझे कमेंट्स कीजिए कि कैसी बनी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि मैं और भी तरह तरह के मज़ेदार रेसिपी बनाकर आपके साथ शेयर करूं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास ही में जो बेल आइकन है उसे फटाफट क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आप देख पाएँ सबसे पहले। तो जल्द मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।